face in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be दोस्तों. यह है हवेली, श्री हवेली मंदिर. स्वागतम. अंदर ऐसा है कुछ. इधर श्री वल्लभ गौशाला है चंपारण. अंदर गौशाला है, देख सकते हैं. स्टार्टिंग में आपको यही मिलेगा. ये देखो, इधर है और ये इधर है. आगे से जाने का रास्ता है. तो स्टार्टिंग में देख सकते हो, ये सामने एक कुआं है चंपारण. और ये स्टार्टिंग है. इधर दुकानदारी लगा है. चलिए आगे देखते हैं कि क्या है. कुछ ऐसा नज़ारा है. सामने मंदिर है दोस्तों. उधर ये स्टार्टिंग का है दोस्तों. देखो पूरा कलाकृति बना है, देख सकते हैं आप. अभी अंदर बंद है. ये पुजारी जी और ये एक मंदिर है. राम भगवान और लक्ष्मण भगवान सीता माती देख सकते हैं. जय माँ तुलसी. अंदर आने के बाद बहुत अच्छा लगा दोस्तों. कुछ मूर्ति तो यहाँ पूरा हर जगह माइक लगा है. हर जगह शाम सुबह वो बजता है, अपना पाठ पढ़ते हैं उसको बजाते हैं यहाँ. और यहाँ हर जगह बंदर दिखेंगे दोस्तों यहाँ. और ये भोजनालय है, ये आप देख सकते हैं अंदर. यहाँ भोजनालय भी है. यहाँ आप आए तो आप खा पी सकते हो आराम से. और सब हर जगह साफ सफाई चल रही है. अभी आगे देखते हैं क्या क्या है. और हर जगह माइक लगा है. और ये हवन कुंड है, देख सकते हो. यहाँ पूजा होती है. और ये है डॉगी भी है इधर. श्री चंपेश्वर महादेव जी मंदिर यहाँ भी है, देख सकते हो दोस्तों. बाकी तो बंद है, देख सकते हो आप. और भी है कुछ तो.
आगे अंदर और भी बहुत कुछ है, लेकिन बंद है दोस्तों, नहीं तो दिखाता मैं, अभी बंद है फिलहाल। और इधर बताया जा रहा है यमुना घाट, यमुना मंदिर जाने का रास्ता सामने है, चलो देखते हैं। बाग बनवानी है दोस्तों, झूला वूला है बच्चों का खेलने का, देख सकते हैं। आगे भी उधर है हिस्सा, लेकिन उधर कुछ अभी बना है कि नहीं बना है पता नहीं, जितना बना है उतना मैं दिखाता हूँ आपको। इधर भी है बहुत कुछ बना हुआ है, ये इधर आवाज़ इसीलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि जनरेटर चल रहा है अभी, तो जनरेटर का सुविधा है यहाँ। और ये इधर खड़े हुए हैं हमारे माता श्री, हर जगह पानी चल रहा है, अभी पानी दिया जा रहा है सभी बागवानों में आसपास। और ये है यमुना नदी जो हम पढ़े हैं उसको आपको दिखाते हैं इधर, अभी तो चल नहीं रहा है दोस्तों, ये चलता है पूरा चलता है ऐसे ऊपर तक। उस पार माता यमुना मंदिर है, ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे। ये है उधर बच्चे कुछ खेल रहे हैं, और वहाँ भी मंदिर है, हर मंदिर में पुजारी बैठे होते हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। इधर बोर है दोस्तों जहाँ से पूरा पानी जा रहा है कनेक्शन, देख सकते हो, तो इसके कितना ही पास रहो दोस्तों लेकिन ये गुस्सा नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, देख सकते हो। माँ इधर से आए थे, अब इधर से जाएंगे दोस्तों, यहाँ भी पूरा बना है दोस्तों, अच्छा कलाकृतियाँ देख सक रहे हो आप, बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनी है। दूर से दिखाता हूँ मैं, श्री वल्लभ गौशाला चंपारण, ये गौशाला है फिलहाल तो बंद है अंदर से, तो दिखाता लेकिन एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। पूरा शीश महल टाइप बना है दोस्तों, देख सकते हो पूरा शीशा ही शीशा है अंदर, ये अक्सर मैं आता हूँ बंद ही रहता है दोस्तों, पता नहीं, ये आप देख सकते हैं ताला लगा है। ये इधर लकड़ी से बना है पूरा घेरा है, यहाँ से आप यहाँ आके फोटोग्राफी कर सकते हैं, मैं तो किया हूँ, इंस्टाग्राम में आप पोस्टर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। इधर का गेट बंद है, मेरे कूदना पड़ेगा, चलो मैं कूद के उस पर मिलता हूँ, चलो दोस्तों जंप करते हैं यहाँ से। कैंटीन है इधर, इधर तो सब सामान वामान मिलते हैं, फैंसी आइटम, समझ गए होंगे आप, गंदा लोग यहाँ आराम से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करते, खाने के दोगे तो खा देंगे, तो देख सकते हैं। बच्चे को पकड़ा है किस तरह से, दोस्तों यहाँ पार्किंग कर सकते हो आप गाड़ियाँ, इधर पूरा पार्किंग स्पेस है देख सकते हो आप। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अंदर मैं शीश महल को दिखा नहीं पाया क्योंकि वो बंद था, पता नहीं कौन से टाइम में खुलता है, शायद सुबह खुलता है, तो और कभी मैं ब्लॉग बनाऊंगा तो उसके लिए सॉरी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।